हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज प्लांट एनाटॉमी या फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो पहली बात तो आती है टर्म एनाटॉमी। तो मैं इसका मतलब कल बता चुका था आपको। टॉमी का मतलब होता है काटना, एटॉमी का मतलब होता है ना काटना, और एनाटॉमी का मतलब होता है फिर से काटना, है ना। तो टॉमी का मतलब काटना, काटता है टॉमी, टॉमी भी काटता है ना, कुत्ता होता है टॉमी, वो भी काटता है ना। तो टॉमी का मतलब काटना। एटॉमी का मतलब एटम से आ रहा है, एटम मतलब एटम आ रहा है ना इसमें, एटम एटम मतलब जो काटे नहीं, जो डिविजिबल नहीं हो सके। और एनाटॉम मतलब कि काट के आपको क्या करना है, स्टडी करना है ना। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी, है ना। एक बंदा था ग्रीव, ग्रीव नाम से एक बंदा था, ग्रीव, है ना। बड़ा ग्रह हुआ था इंसान, बड़ा ग्रह हुआ इंसान था ये, है ना, ग्रीव। तो इन्होंने टर्म कॉइन किया है ना, कॉइन टर्म टिश्यू। टिश्यू तो जो वर्ड है टिश्यू, वो किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया, वो सबसे पहले इस्तेमाल किया है ग्रीव साहब ने, है ना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के पापा बोल लेते हैं, है ना। ये पापा पापा हैं किसके, प्लांट एनाटॉमी के, है ना। अच्छा खासा ऊंचा औहदा दिया गया इनको, है ना। एग्जाम लगाया गया कि प्लांट एनाटॉमी के पापा हैं, है ना, ग्रीव साहब, है ना। इन्होंने टर्म के कॉइन किया था टिश्यू। तो बात करते हैं टिश्यू क्या होता है, जो आप पढ़ चुके हैं बहुत बार, है ना। टिश्यू क्या होता है भाई, टिश्यू तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिससिमिलर, और डिससिमिलर यानी कि सेल्स जो होते हैं टिश्यू के अंदर, वो सारे सेल एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो जो एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, एक टिश्यू है मान लो, तो उसके अंदर ऐसे करके सेल्स हैं, तो वो सर सब ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे हैं, सिमिलर हैं, है ना। तो सिमिलर भी हो सकते हैं और वो ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। मतलब अलग अलग शेप के भी सेल्स हो सकते हैं, है ना। तो सेल्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिससिमिलर भी होते हैं, है ना। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं कि भैया सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ना। तो ग्रुप ऑफ सेल होने चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल जो कैसे होने चाहिए, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या रही है कि उनका बेसिक फंक्शन और ओरिजिन, ओरिजिन और फंक्शन, बेसिक फंक्शन जो वो कर रहे हैं, है ना। तो जो वो बेसिक फंक्शन कर रहे हैं, जो वो फंक्शन कर रहे हैं, और उनका ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है वो किस किन सेल से वो बने हैं, है ना। एक टिश्यू जो बना है, मान लो ये टिश्यू है एक, है ना। तो ये टिश्यू किससे बना है, ये कुछ इक्का दुक्का सेल थे, इनसे क्या बना है, ये डिवाइड हो गए, है ना। तो दो तीन सेल थे, उनसे क्या बना है, उनसे ही डिवाइड होके बहुत सारे सेल बन गए, उसको बोला ना टिश्यू, है ना। तो टिश्यू का ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और बेसिक फंक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना, तभी उसको टिश्यू बोला जाएगा। चाहे वो सिमिलर सेल, सिमिलर साइज के हों या डिससिमिलर हों, सिमिलर हो या डिससिमिलर हो, लेकिन उनका बेसिक फंक्शन और ओरिजिन, फंक्शन और ओरिजिन सेम होना चाहिए, है ना, बेसिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके इंट्रोडक्शन में, पहले वाले लेक्चर में, तो मैंने बताया था प्लांट टिश्यू हम सेल पढ़ेंगे, है ना। सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम बनना है, तो ऐसे कुछ मैंने बताया था। टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं, तो हम प्लांट टिश्यू पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं, ना प्लांट टिश्यू कब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे दो तरह के टिश्यू, एक तो होता है डिवाइडिंग, कुछ टिश्यू तो ऐसा, दो तरह के टिश्यू होते हैं ना, एक टिश्यू ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते 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 रहते हैं, है ना। एक टिश्यू ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, और एक टिश्यू ऐसे होते हैं जो जो डिवाइड नहीं करते, है ना। तो जो डिवाइड करते हैं टिश्यू, उनको बोलते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, है ना। और जो डिवाइड नहीं करते हैं, वो परमानेंट हो गए भैया, है ना, वो परमानेंट लोग हो गए, है ना। तो परमानेंट टिश्यू, है ना। परमानेंट टिश्यू में आते हैं दो तरह के, एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स तो मैं बता भी चुका हूँ आपको, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होती है, ये होती है कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर आप बोल सकते हो वास्कुलर बंडल, है ना, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर कंडक्ट करता है,
फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है ना, जैलम वाटर और फूड करता है फ्लोएम कंडक्ट, है ना, मतलब फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को, है ना। सिंपल परमानेंट में आते हैं क्या, पेरेन्काइमा, नाम सुना है इसका बहुत ज़्यादा, है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में। कोलिनकाइमा, कोलिनकाइमा ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना, लचकदार। और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा, है ना, ये भी किसके पार्ट है, ये भी परमानेंट टिश्यू का पार्ट है ना। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट में पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड, ठीक है, इतनी सी बात है समझ में। इनको पढ़ते हैं वेक करके ना। अच्छा मेरिस्टमेटिक नहीं बताया मैंने तुम्हें, है ना, तो मेरिस्टमेटिक में आप पढ़ते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एमटी, एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। एक पढ़ते हैं आप इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एक पढ़ते हैं आप लेटरल मेरिस्टम टिश्यू। अच्छा ये तो पढ़ा होगा तुमने शायद, अगर नाइन्थ में सही से पढ़ा होगा तो आपने ये सारे टिश्यू पढ़े होंगे, है ना, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, नाम तो याद होगा कम से कम, है ना, लेटरल मेरिस्टम, है ना, कम से कम नाम तो आपको याद होगा, है ना, क्योंकि नाइन्थ में ये चीज़ें थी, है ना। अच्छा ये जो तीन तरह के मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं, ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किसके बेसिस पे, ये है लोकेशन के बेसिस पे, लोकेशन किसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, ये टिश्यूज लोकेशन के बेसिस पे हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ मिल रहे हैं, है ना, प्लांट के ऊपर मिल रहे हैं, प्लांट के नीचे मिल रहे हैं, प्लांट के कौन से एरिया में मिल रहे हैं, ना तो प्लांट की अलग अलग पोजीशन पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिल रहे हैं, तो लोकेशन के बेसिस पे क्या है ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, है ना। और भी तरह के मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, हम सबकी बात करेंगे, है ना, ठीक है। हेलो, हाँ, तो मैं कह रहा था आगे, है ना, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, तो बात करते हैं अपना पहला टिश्यू, पहले मेरिस्टमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे हम परमानेंट टिश्यू की, फिर उसके टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो बात करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू की, है ना। एक बंदा आता है जिसका नाम है नगेली, या नगेली, है ना, NAGELI, है ना, नगेली बंदा है, बंदा साइंटिस्ट है मेनली, है ना। तो इसने टर्म कॉइन किया था, कॉइन टर्म जिसका नाम है मेरिस्टमेटिक, है ना। मेरिस्टमेटिक टर्म किसने कॉइन किया था पहली बार, किसने इस्तेमाल किया था मेरिस्टमेटिक वर्ड को, जैसे टिश्यू वर्ड को किसने इस्तेमाल किया था पहली बार, तो ग्रीव ने किया था, अभी हमने पढ़ा, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं क्या कि मेरिस्टमेटिक वर्ड किसने इस्तेमाल किया सबसे पहली बार, तो वो इस्तेमाल किया है नगेली ने, है ना। तो क्या होते हैं ये सेल्स होते हैं जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है ना, ये डिवीजन की क्षमता रखते हैं, है ना, डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं ना, डिवाइड करते रहते हैं, ये स्मॉल सेल होते हैं ना, सेल का साइज छोटे छोटे सेल्स होंगे, सेल्स छोटे छोटे होंगे, लेकिन उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना वो बड़ा होगा, सेल तो छोटा होगा लेकिन न्यूक्लियस बिग होगा, है ना, तो स्मॉल सेल बिग न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस बड़ा होगा। और सेल्स ऐसे नहीं होंगे दूर दूर बनाए मैंने ना यहाँ पर, तो दूर दूर नहीं होंगे, कैसे सेल्स होंगे, सेल्स ऐसे करके होंगे, क्या है, सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल चुपके हुए, है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज, क्या बोल रहे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, है ना, सेल्स बिल्कुल एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चुपके हुए हैं ना, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। और बात करते हैं इसकी, हाँ जी, तो पावर ऑफ डिवीजन होगी, स्मॉल सेल होगा, और सेल का न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और सेल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चुपके हुए होंगे ना, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। अच्छा सेल के पास जो प्लांट, ये सेल प्लांट सेल होगा ना, ये कौन से मेरिस्टमेटिक, प्लांट के अंदर ही तो मिलेगा ना, है ना, प्लांट सेल, प्लांट सेल होंगे, है ना। तो प्लांट सेल के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि प्लांट सेल के पास वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, ये बात मालूम है आपको, है ना, न्यूक्लियस साइड में होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल याद आ रहा है ना, जब आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस, तो आपने देखा होगा कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल था वो छोटे छोटे बहुत सारे थे, लेकिन प्लांट सेल में एक वैक्यूल था और वो बहुत बड़ा था, है ना। तो कुछ बड़ा वैक्यूल मिलता है, तो जो वो बड़ा वैक्यूल, बड़ा जो सेंटर में वैक्यूल मिल रहा था, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो मिल रहा था प्लांट के अंदर, वो यहाँ पर नहीं होता, एब्सेंट है वो, है ना, वो एब्सेंट है, क्या है वो, एब्सेंट। तो लार्ज सेंट्रल लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात है ना, बाकी सारे प्लांट सेल में मिलता है ऐसा, है ना, लेकिन यहाँ पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं मिल रहा, है ना।
अच्छा इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनका रेस्पिरेशन रेट भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्योंकि भैया ये बार बार क्या कर रहे हैं, ये सांस भी नहीं ले रहे बंदे, ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड 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 करे जा रहे हैं ना, ये बंदे सांस भी नहीं ले रहे और ये डिवाइडिंग कर रहे हैं ना, तो इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है ना, यानी कि बहुत तेज़ वो एनर्जी को खर्च कर रहे हैं और एनर्जी इनके अंदर बर्न भी बहुत तेज़ रही है ना। रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी रेट भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है ना, रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो मतलब एनर्जी इसके अंदर बहुत तेज़ बन रही है और बहुत तेज़ खर्च हो रही है एक तरह से, है ना। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन बहुत तेज़ है ना, समझ मेरी बात, और एनर्जी बन भी बहुत तेज़ रही है। रेस्पिरेशन से क्या बनता है, रेस्पिरेशन से एनर्जी बनता है ना, तो एनर्जी भी बहुत तेज़ी से बन रही है और मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई है, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहा है ना। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जानते हो, कैटाबॉलिक भी हो रहा है बहुत तेज़ और एनाबॉलिक भी हो रहा है बहुत तेज़। कैटाबॉलिक का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मान लो एक रिएक्टेंट है एक, और वो रिएक्टेंट क्या कर जाए, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। और अगर ए बी और सी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना लें, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट इधर वाले को बोलते हैं जो रिएक्ट करते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लें, सिंगल प्रोडक्ट, है ना, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। इस तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है ब्रेकडाउन रिएक्शन, और इस तरह का क्या होता है, ये मिलकर बन रहा है एक एक प्रोडक्ट, तो इन इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कंबाइनिंग रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों मिला के क्या बोला बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहे हैं और रेस्पिरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, कहाँ पर, मेरे सेमेटिक टिश्यू के अंदर, है ना। और ये टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, बार 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 डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, ये क्या करेगा, नया सेल बनाएगा और क्या करेगा, फॉर्म न्यू सेल, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल, है ना। ये डिवाइड करेंगे, मान लो 50 सेल थे, डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 100 सेल बन जाएंगे, 50 सेल क्या हो गए, नए बन गए, है ना। 50 सेल डिवाइड करेंगे और 50 से कितने बन जाएंगे, डबल हो जाएगा, सारे सेल डबल हो जाएंगे, है ना। एक सेल का 2 हो जाएगा तो 50 सेल का 100 हो जाएगा, है ना। तो अगर 50 सेल का 100 हो गया तो मतलब 50 सेल क्या हो गया, नए बन गए, तो नए सेल फॉर्म होते हैं। क्या होता है, नए सेल होगा फॉर्मेशन होता है। अच्छा ये हुई जनरल बेसिक बातें ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, अब आते हैं थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन, है ना। हमने तो पढ़ा था एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकेलरी मेरिस्टम, है ना। अब जरा बात करते हैं मेरिस्टम का डिवीजन, है ना। तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मेरिस्टम का, मेरिस्टमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन, है ना। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे दो तरह के मेरिस्टम होते हैं, डेवलपमेंट के बेसिस पे दो तरह के मेरिस्टम होते हैं, एक को बोलते हैं मास मेरिस्टम और एक को बोलते हैं प्रो मेरिस्टम। ये मास मेरिस्टम क्या होता है और प्रो मेरिस्टम क्या होता है, हम बात करते हैं, है ना, बात करेंगे इसमें।